जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना है, यानी इंस्टाग्राम ऐप ओपन करना है। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी आपको आपका अकाउंट प्राइवेट करना है तो इसके लिए आपको आपके राइट साइड में आपके प्रोफाइल का एक आइकन दिखेगा, आपको इसी आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ऊपर आपको यहाँ पर तीन लाइंस मिलेंगी, आपको इन तीन लाइनों पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आना है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर अकाउंट प्राइवेसी का, ये वाला ऑप्शन मिलेगा और इसके सामने लिखा हुआ है पब्लिक, तो आपको इसी अकाउंट प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने अकाउंट को प्राइवेट कर देना है। जैसे हम प्राइवेट करेंगे नीचे कुछ पूछेगा कि स्विच टू प्राइवेट, तो आप इसको कर देंगे ओके स्विच टू प्राइवेट। अभी आपने स्विच टू प्राइवेट कर दिया, अभी आपका अकाउंट क्या हो गया, ये प्राइवेट हो गया। आपको इस तरह से नहीं दिख रहा है, आपको तभी दिखेगा जब आप सेटिंग में आएंगे। और अगर आप ऐसे जानना चाहते हैं कि आपका अकाउंट प्राइवेट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे आपके जो आईडी है उसके पहले एक छोटा सा ताला बन जाएगा, तो अगर ताला बन गया इसका मतलब कि आपका अकाउंट प्राइवेट हो गया। अभी अकाउंट प्राइवेट करने से क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपकी पोस्ट देखना चाहता है, आपकी स्टोरी देखना चाहता है, आपकी रील्स देखना चाहता है, आपकी फ़ोटोज़ देखना चाहता है, तो उसको कुछ नहीं दिखाई देगा। आपको केवल उसको उतना दिखाई देगा कि इन्होंने इतनी पोस्ट की है, इनके इतने फॉलोअर हैं और इन्होंने इतने लोगों को फॉलो किया है। केवल उसको नंबर से दिखाई देंगे, वो ये नहीं देख सकता है कि आपने किसको फॉलो किया है और आपको किसने फॉलो किया है, कोई व्यक्ति ये नहीं देख पाएगा। और अगर उसको ये देखना है आपकी फ़ोटो कैसी है, आपकी पोस्ट कैसी है और आपके फॉलोअर्स कौन कौन से हैं, अगर ये चीज़ें देखनी हैं तो वो सबसे पहले आपको फॉलो करेगा। फॉलो करने के बाद आपको यहाँ पर जो हार्ट वाला ऑप्शन है जहाँ से नोटिफिकेशन आती है, यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पर फॉलो वाला ऑप्शन दिख रहा है तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखेगा। जब वो लड़का या लड़की जो भी होगा वो उधर से फॉलो करेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और ऐसे आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप उस ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट करने के बाद ही आपके प्रोफाइल की डिटेल उसको दिखाई देगी जो आपको फॉलो किया हुआ है। जब तक आप किसी की फॉलो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो आपके प्रोफाइल की कोई भी चीज़ नहीं देख सकता है। जब तक आपका अकाउंट लॉक है तब तक उसको तीन चीज़ दिखाई देंगी। पहला है कि आपने पोस्ट कितनी की है, इसका नंबर दिखाई देगा। आपके फॉलोअर्स कितने हैं, इसका नंबर दिखाई देगा। और आपकी फॉलोइंग्स कितनी है, इसका नंबर दिखाई देगा। केवल नंबर दिखाई देगा और प्लस में ये आपका अबाउट सेक्शन दिखाई देगा। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं दिखाई देगा जब तक आपकी प्रोफाइल लॉक है। अब मान लीजिए किसी वजह से आपको अपनी प्रोफाइल अनलॉक करनी है, तो इसके लिए आप फिर से आएंगे ऊपर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, फिर आप आएंगे अकाउंट प्राइवेसी में। अभी आपने अपना अकाउंट प्राइवेट किया हुआ है, आपको इसी प्राइवेसी को बंद कर देना है, स्विच टू पब्लिक कर दिया। अभी आप देखेंगे कि आपके नाम के पहले जो आपका यूजर नेम था उसके पहले का ताला यहाँ पर हट चुका है, यानी कि आपका अकाउंट पब्लिक हो चुका है। आपका अकाउंट कोई भी यूजर नेम सर्च करके देख सकता है, आपकी रील्स देख सकता है, लाइक कर सकता है, आपको फॉलो कर सकता है, कोई भी रिक्वेस्ट अब नहीं आएगी। यही था आज की वीडियो में। आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे आपको फॉलो आपको प्राइवेट अपना अकाउंट करना है और प्राइवेट से पब्लिक कैसे करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।